हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हब। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम जॉब सीकर्स के लिए जो कि जॉब की तलाश में है। आपको बता दें, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जनरल ड्यूटी की 25,000 से ज़्यादा जो है पोस्ट्स उनको नोटिफाई किया है और ये जो है एक बम्पर वैकेंसी है SSC की तरफ से। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी वैकेंसी के रिलेटेड कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसकी एज क्या रहने वाली है, फी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है और अप्लाई कैसे किया जाएगा इन पोस्ट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में भी आपके साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किन किन डिपार्टमेंट्स में जो है ये पोस्ट्स है। तो जैसा कि आपके सामने मैंने ये रखा है पूरी डिटेल, और जो डिपार्टमेंट्स है जिनमें ये पोस्ट जो है वो नोटिफाई हुए हैं उनमें है BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA और SSF। और इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो ये वैकेंसीज है और जो टोटल वैकेंसीज है वो है 25,271। चलिए अब हम देखते हैं कि किन डेट्स पे आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो है डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन वो 17 जुलाई है, वहाँ से लेके 31 अगस्त तक जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं वो 2 सितंबर 2021 तक कर सकते हो। और ऑफलाइन मोड के लिए जो आर ऑफलाइन जो चालान है वो आप जनरेट कर सकते हो 4 सितंबर तक। और जो ऑफलाइन पेमेंट होगी वो होगी जिसकी एंडिंग डेट होगी वो होगी 7 सितंबर 2021। तो अब हम बात करेंगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इन पोस्ट्स के लिए। एज ऑन यानी 1 अगस्त है उस दिन कौन सी क्वालिफिकेशन होगी इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको बता दें, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो है मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास का एग्जामिनेशन जो है पास यानी क्वालिफाई किया होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और वो कैंडिडेट जो कि अभी तक इस क्वालिफिकेशन को जो एक्यूअर नहीं कर पाए हैं वो अभी तक इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 23 ईयर्स, यानी जो भी कैंडिडेट 18 से लेकर 23 ईयर्स की एज में होगा वो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि कुछ कैटेगरीज के लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना है। तो आपको बता दें, जो जनरल कैटेगरी और OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और जो बाकी है यानी वुमेन्स है, एक्स सर्विसमैन है और SC ST के कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ती है इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा इन पोस्ट्स के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट है जो कि आपको क्वालिफाई करने होंगे, जिनमें पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और जो कि लास्ट में होता है वो होता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें 100 मार्क्स अलॉट होते हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनमें होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी या इंग्लिश दो में से एक होगा तो उसके भी 25 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो इस पेपर को आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाते हैं। बाद आपको जो दूसरा टेस्ट देना पड़ता है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको एक रेस जो है वो क्वालिफाई करनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट मेजर की जाएगी और उसके साथ साथ जो है आपका चेस्ट जो है वो भी मेजर किया जाएगा और आपका जो वेट है वो भी मेजर किया जाएगा। और फाइनली जो उसके बाद आपका होगा वो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट जो है वो भी वेरीफाई किए जाते हैं।
तो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से आपको सबसे पहले काम करना होगा कि आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ पे आपको टाइप करना होगा ssc.nic.in और वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट है SSC की, और जहाँ पे आप जो है फिर आसानी से अप्लाई कर सकते हो और उन पोस्ट जो है वो नोटिफिकेशंस भी वहाँ पे आपको मिलेगी और आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं फिर और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।